मध्य प्रदेश में हर साल 10,000 लोगों की दुर्घटना में मौत होती है और इस दुर्घटना को कम करने के लिए उज्जैन पुलिस ने एक हाईटेक इंतजाम किए। आप यहां पर देख सकते हैं एक हाईटेक मशीन है। इस मशीन के जरिए यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ यहां पर जो यातायात के नियमों का उल्लंघन करता है उसके खिलाफ भी हाईटेक इंतजाम रहेंगे। ऑनलाइन चालान की प्रक्रिया रहेगी और ख़ास तौर पर यदि कोई आदतन चालानी कार्रवाई का अपराध को करता है तो उसके लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई भी इस मशीन में जो है फिट हो जाएगी और यहाँ से सीधे परिवहन विभाग को पहुँच जाएगी। हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह राठौर साहब हैं। राठौर साहब, ये किस प्रकार से एक दुर्घटना रोकने के लिए एक बड़ी मशीन, हाईटेक मशीन का उपयोग हो रहा है? इसमें दुर्घटना के साथ साथ सबसे अच्छी खासियत ये है कि अगर कोई वाहन हमने रोका है और उसका नंबर डाला है, अगर वो कहीं चोरी पे है तो तत्काल न्याय शो कर देगा कि इस थाने पे इस अपराध क्रमांक में ये वाहन चोरी गया है, तो उसे डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरा, कई बार दूसरे लोग अपना दूसरा नंबर लगा के कभी ट्रक का या बस का, मोटरसाइकिल पे या इस पे, तो जैसे ही हमने नंबर उसका डाला गाड़ी का तो पूरा रिकॉर्ड निकल के आ जाएगा कि ये गाड़ी कौन सी है। जो सामने तो लोगों की प्रैक्टिस है कि दूसरा नंबर डाल के दूसरे वाहन को चलाते हैं तो उसमें भी डिटेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसमें सब कुछ ऑटोमेटिक है। अगर आपने किसी गलती पे उसको डाला है तो अपने आप वो उसका धारा और उसकी कितनी पेनल्टी है। अगर एक ऑफेंडर है, बार बार वो गलती कर रहा है, तो अगर उसका मान लीजिए सिग्नल जंप पे एक बार रसीद कटी और अगर वो आदत है उसका 3-4 बार बन चुका है तो अपने आप उसकी पेनल्टी बढ़ जाएगी और ये सीधा हम आरटीओ को भेजेंगे, उसमें उनके लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई होगी। सर, एक प्रकार से पुलिस पे जो आरोप भी लगते हैं कि जो लाइसेंस भी रहता है, डॉक्यूमेंट्स भी रहते हैं, उसके बावजूद पुलिस ने पैसा मांग लिया, तो इस तरीके का आरोप लगते हैं, उससे भी मुक्ति मिलेगी इस? बिल्कुल, ये ऑनलाइन है, उनके कार्ड को स्केप करा सकते हैं वो, मतलब सीधा पैसा जमा होगा, नगद पैसा अगर वो देना भी चाहेंगे तो उसमें उनकी रसीद मिलेगी, लेकिन वो अपने कार्ड से भी इसको स्केच करा सकते हैं। इसमें वो सॉफ्टवेयर है कि वो जो हमारा अकाउंट है उसमें अपने आप वो पैसा चला जाएगा। सर, इसको लेकर अपराध में किस प्रकार से मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी? यदि कोई अपराधी अपराध करके किसी वाहन का यूज़ करता है, दूसरे ज़िले की मोटरसाइकिल चोरी की है, तो इस मशीन के द्वारा उसको भी डिटेक्ट किया जा सकेगा? बिल्कुल किया जा सकेगा। अगर कोई अपराध वाहन किसी अपराध में आया और उसका नंबर नोट कर रखा है और हमने या उसका चालान बनाया तो अपने आप बता देगा कि ये अपराध में ये वाहन वहाँ पर इसकी ज़रूरत है या ये वाहन वहाँ से चोरी हुआ है। सर, इसमें कितनी मदद मिलेगी इस मशीन से? सब चीज़ ऑनलाइन होगा तो इसका पूरा रिकॉर्ड भी, डाटा भी मेंटेन करना पड़ेगा, और उज्जैन ज़िले में पूरी व्यवस्था रहेगी या केवल शहरी क्षेत्र में रहेगा? उज्जैन के साथ साथ उज्जैन ज़िले के देहातों में भी ये व्यवस्था है। दूसरा, ये जितना डाटा है हम इसको कंप्यूटर पर ले लेंगे और हमारे पास कंप्यूटर में उसका रिकॉर्ड बना रहेगा। कुल मिला के इससे एक्सीडेंट और अपराध दोनों पर रोकथाम? बहुत आधुनिक चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें वहीं सॉल्व होगी और उसमें काफ़ी नियंत्रण आता है, सुधार में काफ़ी नियंत्रण मिलेगा। कई बार जो नए पुलिस अधिकारी रहते हैं उन्हें धाराओं के बारे में भी जानकारी नहीं रहती है, तो इससे उसमें भी मदद मिलेगी जो प्रोविजनल अधिकारी है उनको? बिल्कुल, अगर उन्होंने लिखा हेलमेट तो हेलमेट में कौन सी धारा है और कितनी पेनल्टी है, 3 सवारी कौन सी धारा है कौन सी पेनल्टी, वो अपने आप वो निकाल देगा उसमें। इस प्रकार से उज्जैन पुलिस ने यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के लिए एक नया हाईटेक इंतजाम किए हैं और इसको सड़कों पर भी इस मशीन को दे दिया गया है और पूरे अधिकारियों की यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के माध्यम से शहर के साथ साथ देहात के इलाकों में भी इस मशीन को अनिवार्य रूप से अधिकारियों को थमा दिया गया है। विक्रम सिंह जाट, ABP News, उज्जैन।